मारुति सुजुकी अपनी स्विफ्ट और डिजायर इन दोनों गाड़ियों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के साथ लॉन्च करने वाली है। ये न्यूज तो हम 2-3 सालों से सुन रहे हैं, पर अभी तक भी मारुति ने इनमें से किसी भी गाड़ी को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में लॉन्च नहीं किया है। पर अब जाके ग्रैंड विटारा के सक्सेस के बाद मारुति सुजुकी फाइनली अपनी स्विफ्ट और डिजायर इन दोनों गाड़ियों को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में जल्द ही लाने वाला है। और इन दोनों गाड़ियों में कितने सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा, क्या माइलेज रहेगी, कितनी इनकी प्राइस रहेगी, कौन से साल में मारुति इन दोनों गाड़ियों को लॉन्च करेगा, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आने के बाद सीएनजी और नॉर्मल स्विफ्ट और डिजायर रहेंगी या फिर डिसकंटिन्यू होगी, ये सारी डिटेल्स मारुति ने रिवील कर दी है, जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करिए, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं स्विफ्ट और डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलने वाले न्यू पेट्रोल इंजन के बारे में। तो मारुति सुजुकी के अकॉर्डिंग वो इन दोनों गाड़ियों में एक न्यू 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन लाने वाले हैं, जो कि 3 सिलेंडर रहेगा। अभी जो रिसेंटली स्विफ्ट और डिजायर मिलती है उनमें हमें K12C 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है 1.2 लीटर का, पर आने वाली स्विफ्ट और डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलेगा। पर इसके पावर फिगर्स अभी तक कंपनी ने रिवील नहीं करे है। इन दोनों गाड़ियों के प्राइसिंग के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम बात करते हैं इन दोनों गाड़ियों में मिलने वाले माइलेज की। तो मारुति सुजुकी अपने स्विफ्ट और डिजायर इन दोनों ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन से 35 टू 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज यहां पर क्लेम कर रही है, पर रियल लाइफ में इन दोनों गाड़ियों से हमें 30 टू 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज जो है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में मिल सकती है। अब मेन बात करते हैं कि कब मारुति सुजुकी इन दोनों गाड़ियों को इंडिया में लाने वाली है। तो मारुति सुजुकी के अकॉर्डिंग वो अपने स्विफ्ट और डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में इंडिया में लॉन्च करने वाली है। पर मारुति सुजुकी ने ये भी रिवील किया है कि स्विफ्ट और डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन आने के बाद वो अपने नॉर्मल पेट्रोल और सीएनजी वर्जन की स्विफ्ट और डिजायर को डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की वर्जन की गाड़ियां जैसे कि हम सभी को पता है कि थोड़ी एक्सपेंसिव आती है और सभी लोगों को इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मारुति के अकॉर्डिंग वो अपने नॉर्मल पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ियों को कंटिन्यू रखने वाली है, डिसकंटिन्यू नहीं करने वाले। फाइनली अब बात करते हैं कि स्विफ्ट और डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन की प्राइस क्या हो सकती है। तो जैसे कि रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रैंड विटारा के साथ हमें पता है कि उसके माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में 2.6 लाख का डिफरेंस है, पर मारुति सुजुकी ने ये कहा है कि वो जब तक अपनी स्विफ्ट और डिजायर को स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन में इंडिया में लॉन्च करेंगे तब तक वो माइल्ड हाइब्रिड का डिफरेंस और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का डिफरेंस जो है 2.6 लाख से 1.5 लाख तक लाने वाले हैं। मारुति सुजुकी के अकॉर्डिंग वो अपने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम को इंडिया में ही लोकलाइज्ड करने वाले हैं। उसके कारण ही माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम में कम प्राइस डिफरेंस रहेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अपकमिंग स्विफ्ट एंड डिजायर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।